हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंग्लिश का फ्रेज लेके आया हूँ जिसको कॉमन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में हम यूज़ करते हैं, और वो फ्रेज है कम व्हाट मे, यानी जैसे हम उर्दू में यूज़ करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उनको कैसे करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो इस तरह से हम उर्दू में बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो वहाँ नहीं जाओगे, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये काम नहीं करोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। कम व्हाट मे, यानी चाहे जो भी हो जाए, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, इस तरह के सेंटेंसेज जब आपके पास उर्दू में आएंगे तो उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, इसके रिलेटेड ये वीडियो है। एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज कम व्हाट मे आई विल मीट यू, मींस चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मिलूंगा। सेकंड है कम व्हाट मे आई विल पास द एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इम्तहान पास करूँगा। कम व्हाट मे माई पेरेंट्स विल सपोर्ट मी, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज कम व्हाट मे योर जॉब विल बी सेव, चाहे जो भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो आपकी जॉब सेव रहेगी। लास्ट वन इज आई प्रोमिस टू हेल्प यू कम व्हाट मे, चाहे जो भी हो जाए मैं आपकी मदद का वादा करता हूँ या मैं आपकी मदद करूँगा। आपने इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कम व्हाट मे को आप किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इसको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। और लास्ट सेंटेंस में जिस तरह से आपने देखा, आप इस फ्रेज को सेंटेंस के एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों सूरत में आपके जो मीनिंग्स होंगे वो यही रहेंगे। तो इस तरह से आप डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। अब आपने क्या करना है, कम व्हाट मे की एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन जो हम यूज़ करते हैं उनके सेंटेंसेस बना के कम व्हाट मे का प्रॉपर यूज़ जो कि हमने विद एग्जाम्पल्स डिस्कस किया है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब एक सेंटेंस रेफरेंस के तौर पर मैं दे देता हूँ, आपने उसी तरह के सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं और अपने नोटबुक पे लिखने हैं। अगर आपके पास पेन और नोटबुक नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, 3 से 4 एग्जांपल्स इसकी पुट कीजिए ताकि आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप कंप्लीट हो जाए। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आपने घर के अंदर रहना है। एज़ यू नो दैट ड्यू टू COVID-19 हम सब लोग घरों के अंदर ही हैं। जब आप इसको बनाएंगे इसकी ट्रांसलेशन के, चाहे कुछ भी हो जाए आपने घर के अंदर रहना है, तो इसमें भी आप कम व्हाट मे यूज़ करते हैं। कम व्हाट मे यू हैव टू स्टे एट होम, और इस तरह से की एग्जांपल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पॉसिबल हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपका इस टॉपिक पे जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू सो मच।